Friends, so in my earlier video I have explained you conduction, okay? That is the medium for heating in solids. So solids mein, metals mein jo medium hai wo kya hai? Conduction. And now we will read convection. Abhi hum kya dekhenge? Convection. What is convection? Convection is the heat flow in liquid and gases by convection. So this process se हीट किस पर जाती है? हीट का ट्रांसफर होता है लिक्विड एंड गैसेस में, दैट इज कन्वेक्शन. अभी कन्वेक्शन वाटर में कैसे होता है आई विल एक्सप्लेन यू. कन्वेक्शन इन वाटर, लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट. जब हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, बट आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो कि कैसे कन्वेक्शन वाटर में होता है. आप क्या करोगे, गैस जलाओ और गैस के ऊपर एक पैन रखना है, उसमें एक ग्लास वाटर आपको डाल देना है. तो आप क्या देखोगे, आपको केयरफुली, यू हैव टू वॉच केयरफुली. तो आप क्या देखोगे कि लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट, मतलब जो गैस की फ्लेम के ऊपर जो लिक्विड था, नीचे का लिक्विड, वो क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा, हीटेड फर्स्ट, पहले वो गर्म होगा. फिर देन फ्लो अपवर्ड एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड स्लोप डाउन. मतलब उसके बाद क्या होगा, आप देखते ना छोटे छोटे पियर वाटर रखना, तो उसमें आप देखोगे कि बबल्स ऐसे होंगे, वो कहाँ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना. तो उससे क्या होगा, ऊपर का पानी भी गर्म हो जाएगा. अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर का पानी गर्म होगा, फिर साइड का पानी कैसे गर्म होगा, जो कोल्ड वाटर है साइड का, वो भी नीचे जाएंगे, साइड में भी बबल्स आएंगे. यू हैव टू वॉच केयरफुली दिस प्रोसेस, ओके, एंड यू कैन डू इट एट होम. तो जो साइड के है वो भी मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाएंगे, और बाय दिस प्रोसेस कोल्ड वाटर विल हीटेड. जब ये प्रोसेस होगा, नीचे गर्म होगा, ऊपर जाएंगे बबल्स, साइड से डाउनवर्ड्स आएंगे, तो धीरे धीरे बबल सारे बह जाएंगे और पूरा वाटर हमारा बॉइल हो जाएगा. तो ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन इन वाटर. लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ वाटर गेट हीटेड फर्स्ट, देन फ्लो अपवर्ड, एंड फिर कोल्ड वाटर बोथ साइड डाउन, एंड ऑल द लिक्विड गेट हीटेड. अंडरस्टैंड, आपके समझ में आ गया ना, आपको ये करके देखना है तो आप अच्छे से ये प्रोसेस समझ जाओगे, ओके. नाउ कन्वेक्शन इन गैसेस. अभी गैसेस में कैसे होता है, मैं उसकी आपको एक्टिविटी बताऊंगी कैसे होता है. फ्लेम टॉप द एयर गेट हीटेड. अगर हम कोई कैंडल जलाते हैं तो जो उसके ऊपर का जो टॉप पार्ट होगा फ्लेम का, वो क्या होगा, पहले वो हीट होगा, हीटेड फर्स्ट देन साइड्स. और कभी कभी आप ऐसा, हम खेल खेल ऐसा करते हुए ना कैंडल जलाया तो हम नीचे से उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर का जो पार्ट है फ्लेम का वो ज़्यादा गर्म होता है. जैसा मैंने बताया, फ्लेम टॉप द एयर गेट हीटेड फर्स्ट, बट आपको ऐसा सब करना नहीं है कि फ्लेम को पकड़ के करो, मैं एज अ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ. तो अभी मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाती हूँ, ठीक है. कन्वेक्शन इन गैसेस. Now you can see this is a candle, और ये क्या है, हीट है. तो मैंने अभी ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, एयर में. तो मैंने ऊपर इसके हाथ रखा है तो मैं हाथ नहीं रख पा रही हूँ, बट मैंने साइड में हाथ रखा है तो मैं ईजीली रख पा रही हूँ. वाई, बिकॉज कन्वेक्शन ऑफ एयर हीटेड फर्स्ट ऑन द टॉप, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में पहले हीट होगा, इसलिए ऊपर हाथ मेरा नहीं रह पा रहा, और देन स्लोली स्लोली इट इज़ मूव डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड. तो जो गैस की, जो गैस हीट का ट्रांसफॉर्मर गैसेस में होता है, वो साइड्स में कम होता है एंड टॉप में सबसे ज़्यादा होता है. दिस इज कन्वेक्शन इन गैसेस और एयर. अंडरस्टैंड. नाउ रेडिएशन. अभी जो तीन मेथड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, फर्स्ट क्या था,
कंडक्शन, सेकंड था कन्वेक्शन एंड थर्ड लास्ट वन इज रेडिएशन। तो व्हाट इज रेडिएशन? जो हम देखते हैं ना कि सन रेज हमारे इतने दूर हमारे पास कैसे आ रही है, वो दिस इज हैपेंड बाय रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है उससे सन की रेज हमारे तक पहुंच पाती है, वो भी क्या है, हीट है ना। सन की हमको क्या लगती है, गर्मी मिलती है ना, दिस इज ऑल्सो हीट। तो व्हाट इज रेडिएशन? प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ये किस रूप में आ रही है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, कुछ उसको मीडियम दे रहे हैं कि सूरज की रोशनी हमारे पास आए, नहीं। बट कैसे आ रही है, डायरेक्टली अपने आप ही आ रही है ना, इसलिए हमको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमको कोई मीडियम नहीं चाहिए है, और ये जो ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली सन से अर्थ पर होता है। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडिएशन? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो गो थ्रू द बुक, पूरी बुक आपको ये जो मैंने बताया चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करना है।